हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप एसक्यूएल कनेक्टर की जार फाइल किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने जावा प्रोजेक्ट में उसे किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जाते हैं अपने गूगल क्रोम पे। यहाँ पे आप लिखिए एसक्यूएल कनेक्टर फॉर जावा। आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा होगा माई एसक्यूएल कनेक्टर, उसका लिंक है dev.mysql.com। इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखेगी आपको। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। फिर आपके पास दो ऑप्शन है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कंप्रेस TAR आर्काइव और एक है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जिप आर्काइव। आप ये जिप आर्काइव वाला डाउनलोड कर लेंगे। इसमें अब आप लॉग इन साइन अप करके भी कर सकते हैं आप, वरना आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। और अब आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी जिप फाइल एक डाउनलोड इंस्टॉल हो चुकी है, डाउनलोड हो चुकी है। अब आप अपने डाउनलोड्स में जाइए या जहाँ पे आपने फाइल सेव करी होगी आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास है एक, मेरी ये जिप फाइल हुई है। अब पहले जो हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट फाइल। आप किसी भी लोकेशन पे इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसे डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करके दिखाता हूँ आपको। ओके कर देंगे। तो देखिए आप, ये यहाँ पे मेरी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं MySQL कनेक्टर जावा 5.1.8 और ये आ चुका है आपका। अब इसे कैसे आप अपने प्रोजेक्ट में इनबिल्ट करेंगे, तो सबसे पहले तो आप फाइल पे जाइए, न्यू प्रोजेक्ट। मैं फिलहाल यहाँ पे अपाचे नेटबीन्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं जावा विद ANT पे जाके जावा एप्लीकेशंस पे क्लिक कर लूँगा। फिनिश J42। तो आप कुछ आपको इस तरीके का दिखेगा, जावा एप्लीकेशन 42। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, सोर्स पैकेज और लाइब्रेरी। आप लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे, लाइब्रेरी पे क्लिक करके आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड जार फोल्डर। इसके बाद आप देखेंगे अपना डेस्कटॉप पे, हमने सेव करी थी डेस्कटॉप पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है MySQL कनेक्टर जावा 5.1.48। इसके बाद यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, MySQL कनेक्टर जावा 5.1.48 बिन जार। आप ये जार वाली सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे, सिंपली इसे ओपन कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि आपका ये MySQL कनेक्टर ऐड हो चुका है आपके जावा प्रोजेक्ट के अंदर। अब आप इसके आगे अब SQL के साथ किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।